Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स को आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, और इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स की बात अगले लेक्चर में की जाएगी. आज के लेक्चर में हमने जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना है उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके अलावा लाइसोजोम की बात की जाएगी और लाइसोजोमल स्टोरेज डिजीजेस को भी इसके अंदर कवर किया जाएगा. इसके साथ साथ माइक्रोबॉडीज और इनकी दो टाइप्स होती हैं जिनमें पेरोक्सीजोम और ग्लायोक्सीजोम दोनों को डिस्कस किया जाएगा. इसके अलावा जो बकाया ऑर्गेनल्स रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. चलें तो बकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इसको आप यूं डिफाइन करेंगे कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ने एंड अ स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसिकल. असल में ये सिस्टर्ने और वेसिकल दोनों का कलेक्शन होता है. ये सिर्फ सिस्टर्ने पे मुश्तमिल नहीं है, ये वेसिकल्स पर भी मुश्तमिल है, दोनों का कलेक्शन है. जबकि इसके बरक्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें आपको दो चीजें इससे मुख्तलिफ बताई थी. एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको वेसिकल्स नहीं मिलेंगे, और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क नहीं है. यहां पर जैसे हमने टर्म यूज किए कि इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये दरअसल नेटवर्क नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मस्ट बी ए नेटवर्क. देखो रेटिकुलम का मतलब ही नेटवर्क का है, तो इस वजह से आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर लेना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप ये देख रहे हैं कि ये इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सिस्टर्ने, और जबकि इनके साथ ये वेसिकल्स भी एसोसिएटेड नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों के कलेक्शन को दरअसल गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया है. इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आपको दो साइड्स नजर आ रही हैं. आप देखिए कि यहां पर आपको कंपैरेटिवली जो आउटर कॉन्वेक्स साइड नजर आ रही है, इसे कहते हैं सिस साइड या सिस फेस इसे कहते हैं, या इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, इसे फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस. और इसके मुकाबले में जो आप देख रहे हैं ये ट्रांस फेस, ये बजाहिर आपको कनकेव साइड नजर आ रही है, और यहां जो कनकेव साइड है इसे मैच्योरिंग फेस भी कहा गया. दिस इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेस. तो इसको मैच्योरिंग फेस क्यों कह रहे हैं, और जो ऊपर वाली साइड है उसको हमने फॉर्मिंग फेस क्यों कहा है. दरअसल वजह यह है कि ये जो सिस या फॉर्मिंग फेस है, इट रिसीव्स वेसिकल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल. ये देखो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इट कैरीज सम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल, और उस प्रोडक्ट को ये इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डिलीवर कर रहा है. तो इस तरह से ये जो फॉर्मिंग फेस है, इट रिसीव्स वेसिकल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल, और वो वेसिकल इसके साथ फ्यूज करके अपनी प्रोडक्ट को इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं. वेर एज जो मैच्योरिंग फेस है, जिसको ट्रांस फेस कहा जा रहा है, यहां पर ऑलरेडी मौजूद एक सिस्टर्ना, याद रखिए सिस्टर्ना सिंगुलर वर्ड है, यहां पर ऑलरेडी मौजूद एक सिस्टर्ना ब्रेकअप हो जाएगा, और उसके स्प्लिट करने से नए वेसिकल्स बल्ड ऑफ हो जाएंगे, नए वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे. तो ये रीजन है कि दो जो साइड्स हैं इसकी वो डिफरेंटली एक्ट कर रही है. ना सिर्फ वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है बल्कि फिजियोलॉजिकली भी ये दोनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट है. अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस को अगर हम एनलिस्ट करें तो एक फंक्शन का है कि प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस. सेल सिक्रीशन की प्रोसेसिंग से ये वाबस्ता होते हैं. असल में देखो ये जो सेल सिक्रीशन टर्म हमने यूज किया ना, ये किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो सेल से बाहर सिक्रीट होनी है उसको सेल सिक्रीशन कहा जाएगा. और आमतौर पर ये जो सेल सिक्रीशन होती हैं, ये जनरली प्रोटीन इन नेचर हैं. ठीक है, जनरली दे आर प्रोटीन इन नेचर.
तो इस तरह की प्रोटीन बेस्ड जो सेल सिक्रीशन हैं वो एक्चुअली सिंथेसाइज होती हैं बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटीरियल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी एंड से ये बड ऑफ होकर एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल इन सब्सटेंसेस को कैरी करता है इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल इसको लेकर आ रहा है यहां पर। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका काम क्या होता है कि ये इस सेल सिक्रीशन को अपनी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश्ड फॉर्म का मतलब है कि फाइनल जो उसकी फॉर्म होगी, फाइनल शेप, यानी हो सकता है कि जो सिक्रीशन यहां पर प्रोड्यूस हुई हो तो वो अभी अपनी फाइनल शेप में ना हो। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि जब प्रोटीन्स बनती हैं सेल के अंदर तो उस वक्त वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो कर रही होती हैं, बट बनने के बाद जब वो फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगी तो उस वक्त उनका स्ट्रक्चर प्राइमरी नहीं होगा बल्कि सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टनरी में तब्दील हो जाएंगी। तो दरअसल वो प्रोटीन्स यहां से जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लाई जाती हैं तो इस जगह पर उसकी मॉडिफिकेशन होगी और उसका वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंटू सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टनरी और फिर वो रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ दीज सेल सिक्रीशंस और आफ्टर प्रोसेसिंग द सिक्रीशंस आर रिलीज फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपोर्ट वेजिकल। और ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल उसके ट्रांस साइड से ओरिजिनेट होगा और ट्रांस साइड से ओरिजिनेट होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करेगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने पर ये अपना मटेरियल बाहर रिलीज कर देगा। तो इस अमल को आपको याद है कि एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये अपनी सिक्रीशंस को बाहर निकाल देगा सेल। तो आपने देखा कि जो भी सेल इस तरह से कोई चीज सिक्रीट कर रहा है वो असल में उस चीज को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूर प्रोसेस कर रहा है। लिहाजा ऐसे सेल्स जहां पर भी कोई सिक्रीटरी एक्टिविटी हो रही है जैसे ग्लैंडुलर सेल, वहां पर दरअसल ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए एक और फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये भी हो सकता है कि जो डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कंबाइन किया जाए तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जरिए होगी। फिर इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कंबाइन किया जाए तो बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड भी यहीं पे फॉर्म होगा। और फिर इसी तरह से लिपोप्रोटीन, तो इसकी फॉर्मेशन भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जरिए ही होगी। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स आल्सो पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की सिंथेसिस, यानी जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होगा सेल डिवीजन के दौरान, तो उस वक्त साइटोकाइनेसिस के दौरान जो न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। होता कुछ इस तरह से कि जब ये दोनों न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस टू डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ वेजिकल्स ओरिजिनेट होंगे विच कंटेन मटीरियल्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस और ग्रेजुअली दीज वेजिकल्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। और इनके यहां पर अरेंज होने से एक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज फ्रेग्मोप्लास्ट। इसके लिए टर्म फ्रेग्मोप्लास्ट भी यूज की जाती है। तो इस तरह से जब ये फ्रेग्मोप्लास्ट बन जाएगा तो इस फ्रेग्मोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद थे वो सेल वॉल बनाने के लिए यूटिलाइज होंगे और फ्रेग्मोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बन जाएंगी और दरमियान में एक सेल वॉल तामीर हो जाएगी। इस तरह से ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लांट सेल में। अब इस लिहाज से क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लाजमी तौर पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, बाकियों के साथ ये रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी सिस्टर्न है। तो उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम तीन चीजें दी हैं, तो बताइए किस किस के अंदर सिस्टर्ने मौजूद हैं। अभी हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्ने पढ़ा, लेकिन लाइसोसोम के अंदर सिस्टर्ने कोई नहीं होते, लिहाजा आंसर यहां पर क्या बनेगा। तो आंसर वन ओनली नहीं हो सकता, टू ओनली भी नहीं हो सकता, हाल बता वन इन टू ओनली, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये सी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम ये स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये खास फीचर है क्योंकि इस जैसे भी आपको और ऑर्गेनल्स भी दिखाएंगे, लेकिन ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करने की वजह से यूनिक हो जाते हैं।
तो इसके अंदर ये जो डाइजेस्टिव ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ये ऑर्गेनल्स बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं। तो जितना भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो सारा डाइजेशन ये इसी लाइसोसोम के जरिए परफॉर्म होगा। दरअसल जब कभी लाइसोसोम ओरिजिनेट होते हैं ना, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एंजाइम भी उसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। यहां पर इनकी फिनिशिंग होगी और आफ्टर फिनिशिंग जब वो एंजाइम एक वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होंगे तो उस वेसिकल को जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पर मुश्तमिल है उसे आप लाइसोसोम कहेंगे। अच्छा, लाइसोसोम दो डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। ऐसा लाइसोसोम जो अभी नया नया इमर्ज हुआ हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उसे कहा जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन जब ये लाइसोसोम किसी और चीज के साथ फ्यूज कर जाएगा, यानी जब ये फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, इन दैट केस द लाइसोसोम इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो दो डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी मैंने जैसे आपको कहा कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो लाइसोसोम की अपनी मेम्ब्रेन क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती उस डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के जरिए। तो एक्चुअली लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि लाइसोसोम है तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, लेकिन इस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के इनर साइड पर एक खास किस्म की लिपिड लेयर प्रेजेंट है। तो इस लिपिड लेयर की प्रेजेंस की वजह से होता यह है कि ये जो एंजाइम इसके अंदर मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस खास किस्म के लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये लिपिड इन एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये लिपिड डाइजेस्ट नहीं होता इन एंजाइम्स के जरिए, लिहाजा इसकी मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व नहीं होगी। असल में देखो ये जो इसकी मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। तो ये ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसे कहते हैं? ये कुछ चैनल्स हैं जो बाहर से इन खास किस्म के लिपिड्स को अपटेक करेंगे, बाहर से मतलब है साइटोप्लाज्म से, और फिर उसके बाद फिर वो सब्सटेंस साइटोप्लाज्म से अंदर आने के बाद ये इस लिपिड लेयर का पार्ट बन जाएगा जो अंदर प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये जो इनर प्रोटेक्टिव शील्ड है ये डेवलप होगी। लाइसोसोम के अंदर ये जो आपने डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑब्जर्व किए हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये लाइसोसोमल एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम किसी इंडिविजुअल के अंदर, अगर इनमें से कोई भी एंजाइम मिसिंग हो तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसमें वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके लिए वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था उसका डाइजेशन नहीं होगा और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल के अंदर अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी और उसकी अक्यूमुलेशन की वजह से प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। तो इस तरह से स्टोरेज डिजीजेस में बी द रिजल्ट। तो अब तक तकरीबन कोई 20 ऐसी डिजीजेस डिस्कवर हो चुकी हैं, 20 सच डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, जो किसी ना किसी लाइसोसोमल एंजाइम की मिसिंग की वजह से होंगी। याद रखिए कि ये जितनी भी स्टोरेज डिजीजेस हैं ये सब कॉन्जेनाइटल होती हैं। कॉन्जेनाइटल से मतलब ये होता है कि ये बाय बर्थ मौजूद हैं। कॉन्जेनाइटल मीन्स दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ, और जो भी एक्टिविटी बाय बर्थ मौजूद हो इसका मतलब है कि वो एक्टिविटी क्या इनहेरिट हुई होगी पेरेंट्स से? जरूरी नहीं है, हर कंजेनाइटल करैक्टर इनहेरिट नहीं हुआ होता। कुछ कंजेनाइटल फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही ओरिजिनेट हुए होते हैं, उनको भी आप कंजेनाइटल कहेंगे। तो कुछ कंजेनाइटल फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो इनहेरिट भी हुए हों, ठीक है? तो इनहेरिट होना इनका फीचर हो भी सकता है और नहीं भी, कंपल्सरी नहीं है कि ऑल कंजेनाइटल डिजीजेज आर जेनेटिक डिजीजेज। लेकिन आप याद रखिए कि जितनी भी स्टोरेज डिजीजेज कंजेनाइटल इन नेचर है, ये सब स्टोरेज डिजीजेस जेनेटिक डिजीजेस भी हैं। ये किसी न किसी ये लाइसोसोमल एंजाइम के मिसिंग की वजह से ये डिजीज होती हैं। और वो लाइसोसोमल एंजाइम कैसे मिसिंग हुआ है? दरअसल उस लाइसोसोमल एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो दरअसल डिफेक्टिव जीन है और उससे वो प्रॉपर एंजाइम नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो आपको बुक के अंदर इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी स्टोरेज डिजीजेस की, और उनकी वजह से किस चीज का एक्युमुलेशन होता है उसको आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर जैसे तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, ये ग्लाइकोजन के एक्युमुलेशन के जरिए करेक्टराइज की जाती है, और इस केस में ग्लाइकोजन चूंकि डाइजेस्ट नहीं होता तो उसका एक्सेस होता रहता है बॉडी में। इसी तरह से टे सैक्स डिजीज इज अनदर डिजीज। तो ये जो टे सैक्स डिजीज है ये भी ऐसी ही डिजीज है जिसमें लिपिड्स का स्टोरेज शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर,
और लिपिड का ओवर स्टोरेज ब्रेन के अंदर हो तो उसकी वजह से ब्रेन रिटार्डेशन भी हो सकती है। तो ये टेस सेक्स डिजीज भी इसी तरह की डिजीज है। तो ये आपने स्टोरेज डिजीजेस से रिलेटेड ये डिजीजेस याद रखनी है। अच्छा, एज फार एज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज कंसर्न, नंबर वन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज द डाइजेशन विद इन द सेल। अभी कैसे होता है, देखो जब कोई सेल मेम्ब्रेन इस तरह से कोई फूड को इनगल्फ करती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, अगर ये सॉलिड फूड हो, और अगर ये लिक्विड फूड हो तो ये पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। बहरहाल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फैगोसाइटोसिस जो वेसिकल फॉर्म हुआ है, दिस वेसिकल इज नोन एज फूड वेसिकल, या इसको फूड वैक्यूल भी कहा जाता है। तो ये फूड वेसिकल या फूड वैक्यूल जब फॉर्म हो जाएगा तो ये लाइसोसोम के साथ आकर मर्ज करेगा। आप देखिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक लाइसोसोम ओरिजिनेट हुआ। अभी ये लाइसोसोम चूंकि फ्रेश है, इसने अभी अपना फंक्शन इनिशिएट नहीं किया, तो आप इस लाइसोसोम को क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। और जैसे ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और आफ्टर फ्यूजन ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें डाइजेशन ऑफ फैगोसाइटाइज्ड फूड पार्टिकल और सेल्स यहां पे परफॉर्म हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि ये एक ऐसा ही लाइसोसोम है जो अपना फंक्शन शुरू कर चुका है या जो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर चुका है, तो इस तरह से इस लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाएगा। उसके बाद जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड ये साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरह छोटी छोटी डक्ट्स इसमें से ओरिजिनेट होंगी और ये फूड डिजॉल्व हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, डिफ्यूज कर जाएगा। और जब ये फूड निकल जाएगा तो अब जो रिमेनिंग वेसिकल है, नाउ दिस रिमेनिंग वेसिकल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए जो भी वो कोई एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो सब्सटेंस इस तरह से सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोस कर जाता है। यूं आपने देखा कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मैकेनिज्म है। दूसरी तरफ लाइसोसोम का एक और फंक्शन है कि लाइसोसोम ऑल्सो रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, यानी कोई लाइसोसोम इस तरह से ये ओरिजिनेट हो और ओरिजिनेट होने के बाद ये लाइसोसोम अगर ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाए और यहां पर फ्यूज होकर ये अपने एंजाइम्स को बाहर निकाल दें, तो इस तरह से ये काम भी लाइसोसोम के जरिए मुमकिन हो रहा है। ये जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सीक्रेशन हो रही है वो इसी तरह से हो रही है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम की फॉर्म में वो एंजाइम रिलीज होंगे और लाइसोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके उनको बाहर लिबरेट कर देगा। एक और फंक्शन लाइसोसोम का ऑटोफैगी भी है। ऑटोफैगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग। तो ये इस तरह से एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, इसमें क्या होगा, इसमें सेल अपने ही ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी अपनी ही ईटिंग शुरू कर देता है। सेल्फ ईटिंग इसको इस वजह से कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सेल्फ ईटिंग करना क्यों शुरू हो गया, अपने ऑर्गेनल्स को क्यों खाने लग गया है, तो दरअसल ये इवेंट एक कंट्रोल्ड इवेंट है और दो डिफरेंट ओकेजन्स पर ये परफॉर्म होता है। या तो ये इवेंट ड्यूरिंग स्टार्वेशन परफॉर्म होगा, स्टार्वेशन का मतलब है कहत, यानी जब फूड सप्लाई बंद हो जाती है और जितना भी स्टोर्ड फूड साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो भी खत्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में सेल के पास जब गुजारा करने के लिए कुछ नहीं रहता तो जो ओल्ड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन या कोई डैमेज ऑर्गेनल्स, ये लाइसोसोम उन डैमेज ऑर्गेनल्स को एनक्लोज कर लेगा अपने अंदर और इस तरह से फिर उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का लाइसोसोम जो इस तरह ऑटोफैगी परफॉर्म करना शुरू हो जाए उसे कहा जाएगा ऑटोफैगोसोम। तो ये चीज ऑटोफैगोसोम कहलाती है। अच्छा, ये जो ऑटोफैगोसोम है क्या इसको भी सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जा सकता है? बिल्कुल, ऑटोफैगोसोम भी एक ऐसा ही लाइसोसोम है जो अपना फंक्शन इनिशिएट कर चुका है, जब वो किसी दूसरी चीज के साथ मर्ज कर चुका है, तो इस वजह से इसको भी सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जा सकता है। लेकिन आप याद रखिए, क्या सभी सेकेंडरी लाइसोसोम्स को ऑटोफैगोसोम कहा जा सकता है? नो, हर एक सेकेंडरी लाइसोसोम ऑटोफैगोसोम नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिए कि इस वक्त ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी लाइसोसोम तो है बट नॉट ऑटोफैगोसोम, सही? तो ऑटोफैगोसोम लाजमी तौर पर सेकेंडरी लाइसोसोम भी होगा। बहरहाल अब इस तरह से ऑटोफैगी परफॉर्म करके सेल अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन। इसके अलावा ये एक और ओकेजन पर भी ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी सेल ने अपने ऑर्गेनल्स का नंबर रेगुलेट करना हो तो उसके लिए भी ये परफॉर्म होता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स को रेगुलेट करने में ये कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी आप इस तरह से मिसाल लीजिए कि अगर कोई शख्स बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है, तो जब वो बॉडी बिल्डिंग परफॉर्म करेगा तो ऐसी सूरत में उसकी बॉडी जब मैस गेन कर रही होती है, उसके मसल्स बिल्ट कर रहे होते हैं,
तो मसल सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग बॉडी बिल्डिंग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो बॉडी बिल्डर है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा रिक्वायर्ड होगी मसल सेल्स के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यूरिंग बॉडी बिल्डिंग। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर कुछ अरसे के बाद अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है, अब वो एक्सरसाइज छोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में जितने एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी के अंदर बिल्ट हो चुके थे, अब ग्रेजुअली वो दोबारा उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया कहां जाएंगे? तो दरअसल एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं लाइसोसोम के जरिए डाइजेस्ट होते चले जाएंगे, इस तरह से उनका नंबर रेगुलेट हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑटोफेगी का प्रोसेस दो डिफरेंट ओकेजंस पर परफॉर्म हो रहा है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम का एक आखिरी फंक्शन ऑटोलिसिस भी है। ऑटोलिसिस या इसको एपोप्टोसिस भी कहते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेथ। ये सुसाइडल डेथ है, सेल्फ डेथ। आपने एक्चुअली दो तरह की सेल डेथ पढ़ी होंगी। एक सेल डेथ होती है जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है, तो ये नेक्रोसिस किसी एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से ये सेल डेथ होती है, और ये मर्डर टाइप की डेथ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल मर्डर। इसमें सेल का मर्डर हो जाएगा, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसकी डेथ होगी। लेकिन ऑटोलिसिस या एपोप्टोसिस ये कंट्रोल्ड सेल डेथ है, ये सेल्फ डेथ कहलाती है, सेल खुद से इसको कमिट करता है, लिहाजा ये एक बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद कभी भी हो जाए, बल्कि ये एक खास पर्पस के लिए इसको सेल खुद से परफॉर्म करता है, तो इट इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो इसकी क्या वजह होती है, ये कैसे परफॉर्म होगा? दरअसल देखो, ऑटोलिसिस या एपोप्टोसिस इस तरह से परफॉर्म होता है कि ये जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम अगर ये बस्ट कर जाए, अगर लाइसोसोमल एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाए, तो ऐसी सूरत में इन एंजाइम्स की वजह से साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस भी फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा इन एंजाइम्स की वजह से, और साइटोप्लाज्म भी फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट यूं छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये एक मुकम्मल सेल है, बट आफ्टर ऑटोलिसिस ये इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में, छोटी बॉडीज में ये टूट गया है, एंड सच फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। तो अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, दीज एपोप्टोटिक बॉडीज विल बी फैगोसाइटोस बाय अदर सेल्स, और इस तरह से जब दूसरे सेल्स इन बॉडीज को खा जाएंगे, तो वो सेल यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान यहां से मिट जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल ने खुद अपनी डेथ कमिट की और अपने आप को वहां से खत्म कर दिया। तो ये प्रोसेस फायदेमंद कैसे हो गया, ये प्रोसेस किस तरह से एडवांटेजियस हो गया कि सेल इसको खुद से क्यों परफॉर्म कर रहा है? दरअसल देखिए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स उस वक्त रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन बाद में उनकी जरूरत नहीं होती, लिहाजा जब वो पहले बन जाते हैं तो बाद में जब उनकी जरूरत नहीं रहती तो उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है इसी प्रोसेस के जरिए। जैसे मिसाल के तौर पर जब हमारी बॉडी डेवलप कर रही होगी और उस वक्त हमारे अपेंडिजेस बन रहे होंगे, तो जब हमारे ये हाथ बनते हैं तो शुरू में इस तरह से ये एक फ्लैटेंड आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ग्रेजुअली इसके अंदर यूं फिंगर्स बनना शुरू हो जाती है, और दरमियान में जो पोर्शन है वो पोर्शन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से यूं हाथ वजूद में आ जाता है। तो ये देखिए, दरमियान में जो पोर्शन, इन फिंगर्स के दरमियान में जो पार्ट डिसइंटीग्रेट हुआ है, वो इसी प्रोसेस के जरिए डिसइंटीग्रेट हुआ है। इसी तरह से किसी फ्रॉग के अंदर जो उसका टैडपोल लार्वा अपनी टेल को लूज कर देता है एडल्ट स्टेज में आकर, तो वो भी इसी एपोप्टोसिस की वजह से हो रहा है। तो ये एपोप्टोसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, स्पेशली ये एपोप्टोसिस जो है ना, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी ये इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे कोई सेल अगर इंफेक्शन गेन कर ले, कोई इंफेक्शियस सेल बन जाए, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर दाखिल हो चुका है, तो ऐसी सूरत में हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक स्ट्रेटजी होती है कि इम्यून सिस्टम के सेल्स इस सेल को आकर सिग्नल देते हैं कि ये सुसाइड कमिट कर ले, ताकि इसके साथ ही वो जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये सेल अपनी सुसाइड कमिट कर लेगा बाय दिस प्रोसेस। तो इस तरह ये प्रोसेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल भी जारी रहता है। तो इन तमाम फंक्शंस के साथ ये लाइसोसोम एसोसिएटेड है। अच्छा, लाइसोसोम की तरह के कुछ दो और ऑर्गेनल्स भी हैं जिनको कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज कहा जाता है।
माइक्रोबॉडीज इनको इस वजह से कहते हैं कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, और लाइसोसोम की तरह ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, इस वजह से इनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। अच्छा, लाइसोसोम के साथ इनके काफी सारे फीचर्स मैच करते हैं, जैसे लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट है, इनके अंदर भी एंजाइम्स हैं। ये अलग बात है कि एंजाइम की काइंड्स डिफरेंट है, जैसे लाइसोसोम में तो आपको बताया था कि डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, बट पेरोक्सीसोम में आपको पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम मिलेंगे, और जबकि ग्लाइकोसिसोम कंटेन सम स्पेशल लाइपेजेस व्हिच आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, क्योंकि ये स्पेशल लाइपेजेस जो खास किस्म के प्लांट लिपिड्स हैं, ऑयल्स, उनकी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से इन एंजाइम कंटेंट्स की बेसिस के ऊपर इनको करेक्टराइज किया जाता है। अच्छा, इनकी अगर अक्रेंस देखी जाए तो लाइसोसोम तो आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा, पेरोक्सीसोम भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोसिसोम सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और स्पेशली उन प्लांट सेल्स में जो ऑयल सीड प्लांट्स में यंग स्टेज में, सीडलिंग स्टेज में मौजूद होते हैं। तो सिर्फ ऑयल सीड प्लांट्स की सीडलिंग स्टेज में ये ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लाइसोसोम की तरह इनका जो ओरिजिन है वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, लेकिन चूंकि एंजाइम कॉन्टेंट इनके डिफरेंट है, तो इस वजह से ये लाइसोसोम के बैक्स डिफरेंट फंक्शन के साथ ये ऑर्गेनेल एसोसिएटेड है। मसलन पेरोक्सीसोम, ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान जनरेट होगा। इसके अलावा और भी दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान ये जनरेट होता है, और उसके बाद फिर इसका ब्रेकडाउन भी इसी पेरोक्सीसोम के जरिए होगा। H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ब्रोकन डाउन किया जाता है। दरअसल इसका जो पहला एंजाइम है पेरोक्सीडेज, ये H2O2 की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और कैटालेज इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2। इसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होने की वजह से पेरोक्सीसोम को पेरोक्सीसोम कहा जाता है। तीसरा एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये स्पेशली प्लांट सेल के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट सेल में इस एंजाइम की वजह से पेरोक्सीसोम पार्टिसिपेट करता है इन फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन, ये भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पायरेशन एक स्पेशल मेटाबॉलिक इवेंट है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और उसके एक स्टेप के अंदर आप पेरोक्सीसोम का रोल देखते हैं। और जबकि ग्लाइकोसिसोम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये जो यंग सीडलिंग्स होते हैं, इनकी जो अर्ली डिपेंडेंस है वो स्टोर्ड फैटी एसिड्स के ऊपर होती है। तो उन स्टोर्ड फैटी एसिड्स को इस ऑर्गेनेल के जरिए पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस मेटाबॉलिक इवेंट को कहा जाता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल, और उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर मेटाबोलाइज होने के बाद सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये यंग प्लांट्स अपना गुजारा कर रहे होते हैं सीडलिंग स्टेज के ऊपर। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते हैं आपसे, मिसाल के तौर पर कि विच ऑर्गेनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आपने यहां पे नोट किया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे वो दरअसल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए सिंथेसाइज होंगे, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही दरअसल उन एंजाइम्स को मॉडिफाई करता है। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही लाइसोसोम ओरिजिनेट भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कोई रोल नहीं है। लिहाजा आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपने किस तरह से पिक करना है। अगर यहां पर सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता तो हम ए को पिक करते हैं, अगर सिर्फ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी अपरेटस का रोल होता तो हम सिर्फ सी को पिक करते हैं, और अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का, जाहिर माइटोकॉन्ड्रिया का अकेला तो रोल है नहीं यहां पर, कोई यहां पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, और अगर इन तीनों का रोल होता तो फिर आप बी को पिक करते, लेकिन चूंकि ये ए और सी का यहां पर रोल है तो आपने ये दोनों सर्कल जिस जगह पर कंबाइन हो रही है, यानी ये जो डी वाला ऑप्शन है इसको आपने पिक करना है, देयरफॉर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसी तरह से देखिए, सेवरल क्वेश्चंस ये लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोसिसोम में से पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो आप देखिए कि ये 1 लाइसोसोम, 2 पेरोक्सीसोम, 3 ग्लाइकोसिसोम, क्या ये तीनों स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं? यस, ये तीनों 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा, ये तीनों ही स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर इसी तरह से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि लाइसोसोम भी दोनों में पाया जाता है, पेरोक्सीसोम भी, लेकिन ग्लाइकोसिसोम से प्लांट सेल में, लिहाजा इधर आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो इसका आंसर क्या बन गया? 1 और 2 ओनली।
अच्छा, फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अगेन आप देखिए कि ये तीनों ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस केस में भी आंसर ये 1, 2 और 3 तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन एंजाइम। तो अगेन 1, 2 और 3 क्योंकि ये सभी के पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। यहां पर कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं पूछा गया, अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम पूछा जाता तो फिर हम इनमें से कोई एक को पिक करते। मिसाल के तौर पर कहा जाता कि कैटालेज किसके अंदर मौजूद होगा, तो ऑब्वियसली कैटालेज इज फाउंड इन द पेरोक्सिसोम। अगर पूछा जाता कि स्पेशल प्लांट लाइपेसिस किसके अंदर होंगे, तो वो फिर ग्लाइकोसिसोम के अंदर। तो इस तरह से आप इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में लाइसोसोम भी इन्वॉल्व है, ग्लाइकोसिसोम भी इन्वॉल्व है। आपने यहां पर डायरेक्टली ग्लाइकोसिसोम की तरफ नहीं चले जाना, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म, वो स्पेसिफिक प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात पूछी जाती तो फिर आप ग्लाइकोसिसोम का पिक करते, लेकिन चूंकि यहां पर जनरल बात की जा रही है तो आपने 1 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। फिर इसी तरह से मजीद क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में इनमें से कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में लाइसोसोम, इसका कोई रोल है नहीं। पेरोक्सिसोम, यस, क्योंकि जैसे भी मैंने कहा कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान ये H2O2 की फॉर्मेशन होती है और ये इस पेरोक्सिसोम के जरिए होगी, तो इस तरह से यहां पर ये 2 ओनली आंसर आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेन कैटालेसिस, तो आप जाहिर है पेरोक्सिसोम को पिक करेंगे, यानी अगेन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेन हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में आप ये 1 को पिक करेंगे और 3 को, क्योंकि लाइपेसिस यहां पर मौजूद है वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो इस तरह से 1 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, तो फिर ये सिर्फ 3 आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से करके इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो मैंने फिर इस तरह इकट्ठे आपसे शेयर कर दिए हैं, तो आपने इनके ऊपर भी फोकस करना है और इनसे रिलेटेड बातों को भी कंसीडर करना है जब आप इसको रिव्यू कर रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू कुड बी नोटिफाइड अबाउट एनी न्यू वीडियो लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजी गार्डियन। And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.